Hey, what's happening everyone? Aditya here from smartpics.com. दोस्तों 5G phones आजकल ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में. मुझे पता है आप भी हमारी तरह क्यूरियस हैं 5G अवेलेबिलिटी को लेकर. वेल 5G स्पेक्ट्रम हो सकता है 2021 के सेकेंड हाफ में अवेलेबल हो जाए. फिलहाल Xiaomi ने शुरुआत कर दी अपने 5G phones लॉन्च करने की इंडिया में, जहां Xiaomi ने डेब्यू किया विद अ बिग बैंग और लॉन्च कर दिया है Note 9 Pro 5G इंडिया में नई पहचान के साथ. इंडिया में इसे कहेंगे Mi 10i, जिसे हम कुछ एक वीक से यूज कर रहे हैं. तो आज की फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देंगे, और हमारी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा. इसी तरह सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर. फिलहाल बॉक्स कंटेंट्स दिखाएंगे ना म्यूजिकल अनबॉक्सिंग, उसके बाद देंगे आपको डिटेल्स. As you can see, कुछ ऐसा दिखता है Mi 10i 5G. First feeling इसे grab करते ही साथ थोड़ी heavy feel होती है. Weight इसका 214 grams है. बेशक numbers जितना heavy feel नहीं होता, cause of the weight distribution, 9mm thickness की वजह से थोड़ा सा bulky लगेगा. Rear side पर आप देखेंगे तो Poco X3 जैसा design लगता है, majorly due to a similar camera design. Polycarbonate की आपको framing मिल जाती है. Rear side और display में आपको Corning Gorilla Glass 5 की protection दी गई है. कुल मिलाके मैं कहूँगा body इसकी काफी solid है. Tactical बटन्स की बात करें तो वॉल्यूम रॉकर्स हैं. फिजिकल फिंगरप्रिंट अनलॉक है साइड में, जो एज अ पावर लॉक बटन भी फंक्शन करता है. फिंगरप्रिंट इज ट्रूली रिस्पॉन्सिव, यहाँ आप देख सकते हैं. ऊपर हेड पर एक माइक है विद एन IR ब्लास्टर. नीचे 3.5mm जैक मिल जाता है. टाइप सी स्लॉट, एक माइक है और स्पीकर स्लॉट भी दिए गए हैं. ऊपर की तरफ आप नजर डालेंगे तो यहाँ भी आपको छोटी सी स्पीकर ग्रिल दिख जाएगी. ऑडियो आउटपुट है, आपको सुना देते हैं. जी हाँ, लाउड है, थैंकफुली बहुत ज्यादा लाउड नहीं है. एक हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ आपको मिल जाता है. मेमोरी कार्ड आप इसमें एडिशनली लगा नहीं पाएंगे, तो अगर आप दो सिम यूज करते हैं तो इस डिसएडवांटेज को जरूर ध्यान में रखिएगा. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके काफी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 108 मेगापिक्सल कैमरा की, जो आपने बड़े बड़े बैनर्स में पढ़ ही लिया होगा. उसके अलावा स्पेक्स की बात करें तो रेयर में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है. 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर हैं. सामने आपको एक 16 मेगापिक्सल इंडस्पेस सेंसर मिल जाता है. कैमरा सैंपल्स पर आप नजर डालेंगे, 108 मेगापिक्सल का इंपैक्ट आपको दिख जाएगा. यहाँ सैमसंग का HM2 सेंसर यूज किया है, जो HM1 से स्लाइटली स्मॉलर है, मगर ये डिटेल्स काफी अच्छे देता है. सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, इस इमेज को देखिए. मैक जूम इन करने पर भी डिटेल्स रिटेन होते हैं, कोई पिक्सलेशन नहीं है, एंड इट लीव्स यू इम्प्रेस्ड. डायनेमिक रेंज भी अभी तक हमें काफी अच्छी लगी. डेप्थ सेंसर बूके को अच्छे से एडजस्ट करता है. ऑब्जेक्ट के कॉन्टूर्स आप नोटिस करें तो कोई ब्लर ओवरलैप नहीं होता, मिसमैच नहीं होता. वीडियो रिकॉर्डिंग आप चाहें तो इससे रेयर कैमरा से 4K पर कर पाएंगे. फ्रंट कैम से आपको 1080p 30fps की मैक्स क्वालिटी मिल जाएगी. सेल्फी कैमरा एवरेज है, ना बहुत ज्यादा बुरा है ना बहुत ज्यादा अच्छा है, समवेयर इन द मिडल. डिस्प्ले के बारे में बताएं तो एक काफी टॉल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है. IPS LCD पैनल है. 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट दिया है इसमें. मीनिंग टू से आपके कंटेंट जो चल रहा होगा स्क्रीन पे, उसके हिसाब से स्क्रीन अडैप्ट करेगी अलग अलग रिफ्रेश रेट्स पर, जो आपकी बैटरी को काफी हद तक सेव करेगा. एंड इट इज अ प्रिटी स्मार्ट फीचर. डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो एज सच कोई इशू नहीं लगेगा. 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है. सनलाइट यूजेज में भी परेशानी नहीं होगी. स्टिल वीवुड से एमोलेड पैनल होता तो थोड़ा शायद और बेहतर रहता, कलर्स थोड़े और अच्छे दिखते. नंदलेस IPS LCD के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है, नो इश्यूज विद इट. परफॉर्मेंस के लिए Mi 10i में Snapdragon 750G चिपसेट दिया गया है. इंटीग्रेटेड X2 5G मॉडेम भी मिल जाती है, जो इसे 5G रेडी बनाता है. MI की ऑफिशियल लिस्टिंग की माने तो यहाँ दो 5G बैंड सपोर्टेड है,
N77 और N78 जो कि OnePlus Nord से एक बैंड ज्यादा है। Moto G5 जो Vivo V20 Pro से कम है। इंडिया में कौन से बैंड अवेलेबल होंगे इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करें तो बेहतर है। 5G सपोर्ट से हटकर परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी हमने इसे अग्रेसिवली तो टेस्ट नहीं किया, मगर हाँ जितना भी गेमिंग वगैरह की इस पे कोई लैग्स नहीं आए। नो अलार्मिंग हीटिंग इश्यूज, मल्टीटास्किंग LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज की वजह से एक स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। गेमिंग के लिए आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इसका उतना इंप्रेसिव नहीं है, थोड़ा ब्लोटवेयर आपको दिख जाएगा, थोड़ा क्लस्टर्ड सा लगता है OS इसका, इतना इंट्यूटिव नहीं है, मगर हाँ कस्टमाइजेशन वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसे लाइकेबल बना सकते हैं। बैटरियां आपको 4820 mAh की दी गई है। आई डोंट नो 180 mAh कम रखी, 5000 mAh ही हो जाता। मे बी वेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई इशू होगा। एनीवेज बैटरी एक से डेढ़ दिन तक लास्ट करेगी, डिपेंड करता है आपकी यूजेज पर। 33 वॉट चार्जर से आप इसे एक घंटे में आराम से चार्ज कर पाएंगे एंड वी रियली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी चीज है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो MI 10i लिस्टेड है 3 वेरियंट्स में, स्टार्टिंग एट ₹20,999। प्राइसेस और वेरियंट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। वेल हमारी राय माने तो जैसे कि ये फोन आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ और आजकल हर कोई 2 सिम्स तो यूज करता ही है, तो बेहतर आप मिनिमम 128GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन के साथ जाएं। 6GB 64GB वाला ऑप्शन अवॉइड करें, 64GB तो आपका व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस से ही भर जाएगा। जोक्स अपार्ट, तो इसे यूज करने के दौरान हम इसके कुछ पॉइंट से काफी इंप्रेस हुए, जैसे कि इसका कैमरा, चिपसेट भी इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर है, डिस्प्ले की अडैप्टिव फ्रेश रेट आपको पसंद आएगी, आपकी बैटरी भी सेव करती है, फास्ट चार्जिंग 33 वॉट की एक एडवांटेज है। बट अगेन अगर आप पहले एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन यूज कर चुके हैं तो कंटेंट क्वालिटी में आपको थोड़ा सा फर्क यहाँ जरूर दिखेगा। फाइनल वर्डिक्ट देना इसके बारे में थोड़ा जल्दबाजी होगी, जैसे मैंने बताया रिव्यू ब्लॉग जैसे ही हो जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेक करते रहिएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बेशक खरीद सकते हैं, सारे रेलेवेंट URLs मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल गेट बैक टू यू। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।